मैम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं, भाजपा की सांसद हैं भोपाल से, उनका स्टेटमेंट आया है और वो चाकुओं पर धार तेज करने की बात कह रही हैं, कैसे देखती हैं इस बयान को? देखिए, अगर आपको पता हो कि साध्वी प्रज्ञा जो है भोपाल से बीजेपी की एक बड़ी सांसद हैं, अगर आपको मालेगांव बम ब्लास्ट याद हो तो 3 बाइक जो डिटेक्ट हुई थी, पकड़ी गई थी, वो साध्वी प्रज्ञा के नाम पे थी। यानी तो खुल्लम खुल्ला आतंकवादी, सर्टिफाई आतंकवादी, और एक सांसद जो मतलब भारत की सरकार में अहम रोल अदा कर रहा है, अगर वो ये इतनी घटिया और आतंकवादी सोच की बात करे कि चाकुओं पर धार लगा लो, तो इससे तो साफ पता चलता कि ये खुद एडमिट करे कि हाँ मैं आतंकवाद से निकली हूँ, हाँ मैं भारत का माहौल खराब करना चाहती हूँ। ये चाहती क्या है कि भारत का माहौल खराब हो? आपको क्या पता इनके कितने फॉलोअर होंगे, कितने गरीब बेचारे ऐसे लोग होंगे जो इनके फॉलोअर होंगे। जब ये कहेंगे चाकू तेज कर लो तो चाकू तेज कर लो, चाकू तेज करने का मतलब क्या है? अगर ये चाकू तेज कराने की बात कर रही तो इनको ये वाली बात भी एक्सप्लेन करनी चाहिए थी कि आप चाकू किसके लिए तेज करा रही हैं। और दूसरी बात, जब आपको लगता है साध्वी प्रज्ञा जी के भारत में जंगल राज चलता है आपके ही बकौल, तो फिर आप इस्तीफा देकर बैठी है, आप जंगल राज घोषित कर दिए, या तो आप ये कहिए कि सरकार जो है वो नाकाम हो चुकी है भारत में इंसानियत के लिए, संविधान को बचाने के लिए। दूसरी तरफ अगर आप चाकू छुरे तेज कराने की बात कर रही हैं तो यानी ये सरकार हर मुहाज पर नाकाम हो गई और आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं और आतंकवादी सोच को जबरन लोगों के दिमागों में भर रही हैं। पर प्रधानमंत्री मोदी पहले भी जब इस तरह का बयान उन्होंने दिया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर, तो उन्होंने कहा कि मन से माफ़ नहीं करूंगा, फिर ऐसा बयान आ जाता है, लगता है कि भाजपा को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्यों नहीं कर रही? नहीं देखिए, हमारे जो मोदी जी हैं उनकी एक बात तो मुझे बड़ी अजीब लगती है कि वो हर काम मन से करते हैं। अरे मोदी जी, पूरा भारत जो है मन से नहीं चलता, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। आप मन से माफ करें ना करें, लेकिन उसने तो ये हरकत कर दी। दूसरा बंदा अगर ऐसा कुछ करता है तो आप UAPA लगा देते हैं, उसके घर पे बुलडोजर चला देते हैं, लेकिन आपकी सांसद इतना गलत बयान देती है, इतना घटिया बयान देती है, वो मारने काटने पीटने की बात करती है, एक कसैनी बन जाती है, तो आप कहते हैं कि मैं मन से माफ नहीं करूंगा। ऐसे सांसदों को तो बिल्कुल लात मारकर पार्लियामेंट से बाहर कर देना चाहिए। पर क्यों ऐसा नहीं होता है जब इतने, क्योंकि पहली बार ऐसा मामला नहीं है, एक के बाद एक उनके इस तरह के बयान आ रहे हैं, पूरा यहाँ विपक्ष भी खामोश है, टीवी वाले सारे खामोश हैं। अगर यही कोई विपक्ष का कोई नेता या मुस्लिम कोई लेडी अगर इस तरह का बयान देती तो फिर लगातार इस पर जो है डिबेट शुरू हो जाती। ना, आपने कहा कि विपक्ष पे कोई बयान देता है या कोई नॉर्मल भारतीय बयान देता, अरे कोई इतना बेवकूफ नहीं है, कोई इतना जाहिल नहीं है, कोई इतना आतंकवादी सोच वाला नहीं। ये बयान की उम्मीद भी आप भाजपाइयों से ही रख सकते हैं, मार देंगे, काट देंगे, फूंक देंगे, ये कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे, ये तमाम की तमाम एक्टिविटी में जो लिप्त है ना बीजेपी सरकार। और जैसे आपको पता है कि बीजेपी में ज्यादातर जो सांसद हैं वो किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस रहे हैं, तमाम के तमाम। आप देखिए कि बीजेपी में अब तक 50% लोग बलात्कारी पाए जाते हैं, तो ये तमाम के तमाम शगुफे जो हैं, ये उल्टी सीधी हरकत जो हैं, इनकी उम्मीद आप विपक्ष से नहीं सिर्फ भाजपाइयों से करिए, यही ऐसी ऐसी हरकतें कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। पर ये तो प्रधानमंत्री के भी खिलाफ है ये बयान, क्योंकि वो सबका साथ सबका विकास एक साथ लेने की बात करते हैं, विश्वास जीतने की बात करते हैं, इन बयानों से कैसे विश्वास जीते जाए कि कर्नाटक में जाकर वो कहें कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है हथियार की? नहीं, प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं, उनकी बात कर गधे की लात का मैं बार बार कहती हूँ, कोई यकीन मत करिए। प्रधानमंत्री ने अभी आपको तो देखिए 15 अगस्त में क्या कहा था, उन्होंने तो कहा था कि महिलाओं की बात करेंगे, हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, और उसी बात जाकर बिल्किस के कातिलों को, बलात्कारियों को इन्होंने संस्कारी बनाकर रिलीज कर दिया था। तो प्रधानमंत्री तो ऐसी चीजों को हवा दे रहे हैं, जब वो खुद ऐसी चीज करेंगे तो इनकी पार्टी के अंदर जो ऐसे नेता है वो भी चाकू छुरे तलवारें तेज करवाएंगे। आपने कर्नाटक की बात करी, कर्नाटक की एक मस्जिद में, एक ऐसी मस्जिद जो कदीम मस्जिद थी, वहां पर तमाम के तमाम भगवा चिंटू जाते हैं, वहां कलाम पाक की तौहीन करते हैं, मस्जिद को डैमेज करते हैं, निकल कर आ जाते हैं, तो कहां चली जाती हैं सरकारें उस वक्त? तो ये तमाम का तमाम आप दो कम्युनिटी को भारत में टैग कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, एक मुसलमान है एक दलित है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। जिस तरह आपने भारत को इज्जत बारूद के ढेर पर बिठा दिया, आपका हर फर्जी भगवा जो है, फर्जी इनका स्वामी जो है, फर्जी इनका योगी संत है, वो तमाम के तमाम मार देंगे, काट देंगे, अधर्मी संसद सजा रहे हैं, और मोदी जी आराम से बैठ के मन की बातें कर रहे हैं। अरे कोई प्रधानमंत्री मन की बातें थोड़ी करता है, मोदी जी हमें मन की बातें नहीं चाहिए, मन की बातें आपने जहां करनी थी उस बीवी को आपने छोड़ दिया। मन की बातें इंसान अपनी बीवी से करता, एक शौहर अपनी बीवी से मन की बातें करता, ना से देश की बात देश से करता, देश से वो अकल की बात करता है, संविधान की बात करता है, विकास की बात करता है, जॉब की बात करता है, तो ये करता है। मोदी जी तो मन की बात करके पूरे भारत को बेवकूफ बना देते हैं। पर अब क्या लग रहा है, उम्मीद है जिस तरह से अब आप विरोध कर रही हैं, तमाम ऐसे सेकुलर लोग हैं जो सड़क पर उतर कर कह रहे हैं कि ये बयान गलत है,
तो अब लग रहा है कि प्रधानमंत्री इस पर संज्ञान लेंगे या सरकार संज्ञान लेगी और कुछ किसी तरीके का एक्शन होगा? नहीं नहीं, भाजपा ही तो सांपों को दूध पिला रही है, तो अगर ये सांप को दूध, ये तो सांप नहीं है, इसको सांप ने को दूध पिला पिला के अजदहनी बना दिया। अगर इस पे पहले ही कार्रवाई करी होती तो आज यहाँ पर नौबत आती? पहले भी कितनी बार इसने कहा, मैंने कहा ना मालेगांव में बॉम्ब ब्लास्ट की मास्टर माइंड थी, इसके नाम की बाइक थी, इस पे कोई कार्रवाई हुई? उसके अलावा लगातार ऐसे बयानबाजी लगातार करती है, उसके अलावा आज तक कोई कार्रवाई हुई? तो हमें तो उम्मीद नहीं है कि मोदी जी अपने पले पलाए अजदहनी पर कोई कार्रवाई करेंगे, क्योंकि बीजेपी जो है एक डर का नाम है, बीजेपी जो है एक दहशत का नाम है, बीजेपी जो है आतंकवाद का नाम है, बीजेपी जो एक गलत बयानी का नाम है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कॉर्पोरेट घराने बना के हमारी नेशनल मीडिया को मुजरे करा रही है, वो तमाम ताता थैया कर रहे हैं। तो हमें तो उम्मीद नहीं है कि कॉर्पोरेट घराने जो मीडिया वाले कभी हुआ करते थे, आज तक वाले, जी वाले, तमाम एबीपी वाले, ये कहीं ना कहीं भारत की जनता की बात करेंगे, हक की बात करेंगे, ये तो वही ताता थैया करेंगे। जैसे एक डायलॉग है कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, तो जहां इनको पैसा मिलता है वहीं पर मुजरे करने शुरू कर देते, चाहे सामने दलित की अर्थी पड़ी हो, चाहे सामने मुसलमान का बच्चा नाहक मरा पड़ा हो, चाहे भारत में कोई मुल्क हमला कर दे, लेकिन ये बसंतियां मरने वालों को ही एलिगेट करेंगे। जैसे आपने देखा मोरबी पुल में इनका मीडिया क्या कह रहा था कि तमाम के तमाम मरने वाले दोषी हैं, यानी वो जो छठ पूजा करने गए थे वो पुल पे मरे, और इनका मीडिया कह रहा था ये तमाम के तमाम दोषी, यानी मीडिया बता रहा था वो तमाम लोग छठ पूजा में सामूहिक खुदकुशी करने गए थे। तो मीडिया से तो कोई उम्मीद मत रखे, मीडिया के नाम पे आजकल जो भारत की जनता है वो आप लोगों को सुनना चाहती है, आप लोगों को सुन रही है। तमाम के तमाम जो भारत के बुद्धिजीवी हैं वो सोशल मीडिया पर आ गए हैं, वो यूट्यूब पर आ गए, और आप देखिए तमाम कॉर्पोरेट घराने के जितने बड़े बड़े पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे, वो तमाम अपने अपने चैनल खोल कर बैठ गए। जिस तरह रवीश कुमार ने इस्तीफा दिया है, रवीश कुमार अपना चैनल चला रहे हैं, तो अब जो स्ट्रीम चैनल हैं वो खाली कॉर्पोरेट घराने रह गए, वो जनता की बात नहीं करते, वो हक की बात नहीं करते, वो भारत की बात नहीं करते, वो संविधान की बात नहीं करते, वो सिर्फ भाजपाइयों की और दंगाइयों की बात करते, उनको फेवर करते हैं। मैम ये भी सवाल उठ रहे हैं कि भगवा पहनकर मारने काटने की बात की जा सकती है, लेकिन भगवा पहनकर कोई डांस नहीं कर सकता, फिल्म नहीं बना सकता। देखिए केसरिया रंग हुआ हिंदू, हरा हुआ मुसलमान, सफेद बहुत खुश है, कफन दोनों का एक समान। कोई लड़का मुसलमान है, लड़की हिंदू है, दोनों में प्यार, प्यार एक नेचुरल चीज है, किसी से किसी का भी हो सकता है, और इतिहास गवाह है कि किसी का किसी से हुआ ही है। तो ऐसे में अगर प्यार के बाद किसी तरह का तकरार हो जाता, प्यार और तकरार ये दोनों जिंदगी का एक पार्ट है, तो अगर हिंदू मुस्लिम का एंगल दिखाना होगा, हिंदू लड़की मुस्लिम लड़का होगा तो डिबेट हो जाएगा, और हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की होगी तो उस बात को ऐसे दबा दिया जाएगा कि महल्ला पड़ोस को भी पता न चले। ये सारी मानसिकताएं दर्शाती हैं कि एक बड़ा प्लानिंग तो देश में है, लेकिन उत्तेजित होने की आवश्यकता हमें भी नहीं है। हम धैर्य से इन माहौल को बदलने का काम करेंगे, और हम सफल होंगे। इसलिए सफल होंगे कि आज से 20 साल 25 साल पहले कोई एससी एसटी का लीडर, कोई ओबीसी का नेता मंच पे आके खुलेआम इन तमाम व्यवस्थाओं और नीतियों का विरोध नहीं करता था, अब मंच पर करना शुरू किया है। माहौल यह है कि गांव में चाय की दुकान और चौपालों पर भी अब इनकी नीतियों का विरोध किया जा रहा, यह एक अच्छे संकेत है। आने वाला दिन, अब तक तो अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन उम्मीद है कि आने वाला दिन अच्छा दिन आने वाला है।